सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और गेम प्ले वीडियो में। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं चो चो चाल्स। अगर गाइस आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में भाई थोड़े बहुत मिशन करे थे अपने इम्पोर्टेंट वाले, और भाई हमारा पीछा चार्ल्स छोड़ ही नहीं रहा था भाई, और हमें एक भी बार चार्ल्स ट्रेन में नहीं मिला जिसमें हम उस चार्ल्स को मार सके। भाई हम जब भी अकेले भागते रहते तो साला तुरंत आ जाते हमें मारने के लिए। तो चलो गाइस चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं गेम को। हम वहां पे फंस चुके थे भाई और चार्ल्स हमारे आसपास से जा ही नहीं रहा था। देखते हैं गाइस अब अभी वो गया है या फिर नहीं। ओके जल्दी फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। बस शायद मैं ट्रेन में तो आके बैठ गया था, उसके बाद देखते हैं भाई वो ट्रेन में तो हमारा पीछा छोड़ दिया है ना, नहीं तो भाई फिर गलत हिसाब हो जाए। राइट गाइस, हम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं। देखो गाइस यहीं पे चार्ल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था, साला जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम यहीं पे बचे थे भाई, बहुत मुश्किलों से तो भाई हम बचे हैं। देखो अब और हम चेकआउट कर लेते हैं, स्क्रैप वगैरह यहाँ पे आसपास होंगे तो उठा लेते हैं भाई, और कुछ कर भी नहीं सकते हम। चलो भाई सबसे पहले तो हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन का थोड़ा हिसाब देख लेते हैं, इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, और हम भाई आर्मर लेवल इसका अपग्रेड कर देते हैं, और स्पीड और डैमेज नहीं हो रहा, चलो कोई ना। ओके गाइस देखो हमने थोड़े बहुत अपने ट्रेन कंप्लीट कर लिया, और हम सब फटाफट से चेकआउट करते हैं एक नया मिशन। गाइस हम ये वाला मिशन करने जाएंगे अब, तो चलो फटाफट से चलते हैं, इसको फॉलो करते हैं मिशन को। बस हमें देखते हैं भाई हम सही जा रहे हैं या फिर नहीं। ओके गाइस हम वैसे जा तो सही रहे हैं, तो चलो फटाफट से भागते हैं और हम अपने मिशन करने की ओर बढ़ते हैं। चलो रास्ते में भी स्क्रैप पड़े हुए हैं तो उनको भी फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। बस यही हम प्रार्थना कर सकते हैं भाई कि अब चार्ल्स ना आए यार, क्योंकि हम अकेले हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है, और हम भाई पैदल जा रहे हैं तो भाई वो तो आके मार ही देगा हमें तुरंत। और राइट गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओके भाई यहाँ पे कोई प्लेयर तो नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, हमने कुछ मिस तो नहीं करती है ना स्क्रैप वगैरह। चलो भाई स्क्रैप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जान है, बस मरे ना हम, बस वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलो भाई फटाफट से भागते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ पे क्या है। भाई यहाँ पे तो डायन है गाइस, हमारी चुड़ैल आंटी जी यहाँ पे एक स्टू बना रही है, और उसको स्टू को बनाने के लिए उसे कहीं सेंटर में जाना और उसे कुछ लाना है। तो वो हमसे बोले कि भाई तुम मेरे लिए वो स्टू वगैरह वो ले आओ जो भी काम का है अंदर, तो मैं तुम्हें थोड़ी बहुत स्क्रैप दे दूंगी भाई। तो इसके स्क्रैप के लिए हम काम करते हैं गाइस, चलते हैं फटाफट से, धीरे धीरे जाना होगा हमें। एक सेकंड। देखो गाइस ये है मॉन्स्टर, अगर हम ज़्यादा मूव करेंगे तो मॉन्स्टर हमें मार देगा, इसलिए हमें धीरे धीरे जाना है। देखो गाइस यार ये हमारे पास में ही है, हमें मूव नहीं करना है, बस ये धीरे धीरे चला जाएगा। नहीं, बहुत गलत हिसाब हो गया यहाँ पे। ओ भाई छोड़ दे चार्ल्स, छोड़ दे। ओ शिट गाइस, नहीं यार तीन स्क्रैप जा चुके हैं भाई साहब, बहुत नहीं यार भाई, यार क्या हो जाता है यार भाई, यार हम जहाँ भी जाते हैं चार्ल्स आ जाता है गाइस। हमें ट्रेन में कभी नहीं मिला कि हम इसे ट्रेन में मार सकें गाइस। देखो हम वहीं पे स्पॉन हो चुके हैं, चलो यार वहीं जाना होगा। देखो चार्ल्स मतलब स्क्रैप तो यहीं पड़े हुए हैं। नहीं यार स्क्रैप का नहीं यार, मैं एक भी बार नहीं मरा था यार, पर इसने मार दिया है मेरा गाइस, अब दिमाग खराब हो रहा है। तो ट्रेन भी यहाँ नहीं आ सकती ना, खुरदूरे रास्ते में ले जाऊँ मैं यहाँ पे, तो वो भी नहीं पट रही। चलो यार कोई बात नहीं यार, अब हमें भाई आराम से जाना होगा यार गाइस। देखो चार्ल्स भी आ जाते वहीं पे जहाँ हम रहते हैं, साला ट्रेन में कभी नहीं मिला हमें, और ये बुढ़िया क्या पता कहाँ चली गई थी भाग के तुरंत, पता है मेरे को तेरा मिशन नंबर दिए ज्ञान। चलो यार इसे घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं स्क्रैप होगा तो कलेक्ट कर लेंगे, ये तो इसका मिशन हमें करना है गाइस, जल्दी से जल्दी करना है, बस बात खत्म भाई। जहाँ से ज़्यादा पास है वह हम वहीं जाएंगे। चल भाई फटाफट से चल। ओके इसके बीच का आइलैंड में जाना है हमें, सब आइलैंड तो देखे यार सेंटर का, बस चार्ल्स ना है मतलब गाइस यार चार्ल्स पानी में नहीं आएगा, लेकिन साले पानी में भी आ गया। Bruh.
भागो भागो भाई। फाइनली मैं इस वाले इसमें आ चुका हूँ और इसका मैंने कलेक्ट कर लिया है आइटम रिक्वायर्ड। आइटम तो हमने कलेक्ट कर लिया है, फटाफट से यहाँ पे चेकआउट करते हैं। थोड़ी बहुत स्क्रैप हुई भाई, ये किसका खून डाला हुआ है यार। मेरे ख्याल से चार्ल्स ने किसी को मार के यहाँ खाया होगा यार। हाँ समय नहीं मरने यहाँ पे, बस थोड़ी बहुत स्क्रैप वगैरह है, स्क्रैप वगैरह कलेक्ट करते हैं और इस फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। देखो सामने ही जाना है हमें, ये वाला रास्ता बिल्कुल सीधा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली। हाँ ये वाला रास्ता सबसे सीधा है, तो फटाफट से चलते हैं हमें। फटाफट से पहले मॉन्स्टर को चेक कर लेते हैं एक बार, है कहाँ पर मॉन्स्टर अपना। 2 hours later. ऑलराइट गाइस, मैं फाइनली इसका जो भी सामान था इसको ला के दे चुका हूँ। चल यार मेरे को स्क्रैप दे बस, तू मेरे को और कुछ काम नहीं है, स्क्रैप बस चाहिए मेरे को। इन्वेंट्री कैसे खुलती है, 45 स्क्रैप हमारे पास हो चुके हैं। ऐसे फटाफट से भागता हूँ मैं यहाँ से, मेरे को नहीं रुकना यार, चाल्स आ जाता है तुरंत। चलो इस फटाफट से एक मिशन और कलेक्ट करते हैं और फिर चेकआउट करते हैं हमें और कौन कौन से मिशन करने हैं। फटाफट से चलो यार, भाग 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 भाग। तो गाइस हमारी ट्रेन बो रही है यहाँ पे। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं और हम अपने ट्रेन को भी अपग्रेड करते हैं यार, क्योंकि गाइस हमें ट्रेन अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे चाल से भी मेरे को फाइट करना है ट्रेन में, पर वो ट्रेन में हमें मिलता ही नहीं है। मैं बाहर घूमता रहता हूँ तो साला तुरंत आ जाते हैं नुबड़ा। और राइट गाइज, मैं भागता भागता अपनी ट्रेन के पास आ चुका हूँ और मेरे पास 45 स्क्रैप्स हैं, तो फटाफट से मैं इनको अपग्रेड करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ अपग्रेड करना ज़रूरी है। डैमेज लेवल भी हमारा अपग्रेड हो चुका है। देखो गाइज हमारी सारी चीज़ बहुत सारी अपग्रेड हो चुकी हैं, तो फटाफट से नेक्स्ट मिशन चेकआउट करते हैं। देखो गाइज हमें सेकेंड मिशन करना है यहाँ पे आगे। ओके तो फटाफट से हम अपनी ट्रेन को भगाते हैं और चलते हैं मिशन की ओर। A few inches later. और राइट गाइज, मैं अपनी ट्रेन को भगाता भगाता अपने मिशन के पास आ चुका हूँ। और भाई इसका घर तो कुछ अलग ही सीन है। ओके हम अपने अंकल जी से बात करते हैं और पूछते हैं भाई इसके घर को क्या हुआ। ऑल राइट गाइज, हमारे अंकल जी ने हमें ये बताया है कि ये हमारे लिए गन बना रहा था, या मतलब ये अपने लिए गन बना रहा था और भाई इसके घर में आग लग चुकी है उसी फ्लेम थ्रोअर गन से, और वो अगर हम इसकी आग बुझा देते हैं तो ये गन हमें दे देगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। भाई साहब मतलब सारे बंदे हमारी मदद तो कर रहे हैं। देखो गाइज हमें एक ट्यूबवेल से मिला है तो उसको हमने चालू कर दिया है। तो ओके भाई साहब, चलो भाई साहब ये तो रुक चुका है, बार इससे बात करते हैं। ओके गाइस, इसने हमें अपनी फ्लेम थ्रोअर गन दे दी और बोल रहा है एक्यूब्ड इन ट्रेन, मतलब ये वाली गन हमारी ट्रेन में एक्यूब हो चुकी है क्या सही में? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। चलो गाइस फटाफट से एक बार चेकआउट करके आते हैं हम अपनी गन को। थैंक्स यार, थैंक्स भाई, जो भी था तो भाई इसने बहुत अच्छा काम किया गाइस। अच्छा वो हम यहाँ पे आ गए, हमें गन मिल चुकी है। ऑल राइट फटाफट से भागते हैं और स्क्रैप तो कलेक्ट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑल राइट गाइस, हमारे पास एक और गन आ चुकी है। वो भाई क्या ही तो गन है गाइस, ये वाली गन बहुत तगड़ी है यार। सामने वाला घर जला के देखते हैं। अरे चलो इसकी इतनी रेंज नहीं, पर भाई ये गन बहुत तगड़ी है। ऑल राइट गाइज, आज इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ले आऊंगा। भाई साहब हमें गन तो बहुत ज्यादा तगड़ी मिल चुकी है। और गाइज अब देखते हैं चार्ल्स हमारी गन का सामना कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास दो दो गन हो चुकी हैं। भाई साहब अब तो चार्ल्स टूट हो गया, अब सामने बस देखना। तो देखते